ब्रह्मदेश की धरती पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में लगे हुए आप सब भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। जब मेरा ब्रह्मदेश आने का कार्यक्रम बन रहा था तब आप सबकी तरफ से ये बड़ा आग्रह था कि रंगून में एक बड़ा कार्यक्रम के लिए मैं समय दूं, लेकिन इस समय का मेरा शेड्यूल इतना टाइट था कि संभव नहीं हुआ है। लेकिन अलग से जब मैं बायलेटरल मीटिंग के लिए यहां आऊंगा अभी तक तो मेरे कहा तो नहीं है, मैं क्या करूंगा तो आपका जो हक है वो हक बरकरार रहेगा, मैं आपके हक को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोबारा आऊंगा। सब विदेश में रहते हैं तो अनुभव करते होंगे कि भारतीयता, भारतीय व्यक्ति के नाते इसके पूर्व दुनिया आपको कैसे देखती थी, उस देश के सरकारें और शासक आपको कैसे देखते थे, और पिछले कुछ महीनों में आपकी तरफ देखने का दुनिया का दृष्टिकोण कैसे बदला है। विश्व की महासत्ताएं भी भारत की तरफ जिस प्रकार से देख रही हैं, तो एक भारतीय व्यक्ति के नाते आप सबको भी एक गर्व महसूस होता होगा, हां भाई हम हिंदुस्तानी। लेकिन जब ये अवसर आता है तब हमारी जिम्मेवारी जरा ज्यादा बढ़ जाती है। पहले तो कोई देखता ही नहीं था हम किस कोने में पड़े हैं, कोई पूछता ही नहीं था। लेकिन अब हमारा बाएं हाथ किस तरफ है, दाहिना हाथ किस तरफ है, सब चीजें बारीकी से देखी जाएगी। और इसलिए भारतीय समाज को सिर्फ भारत सरकार को और भारत देश को नहीं, विश्व में फैले हुए भारतीय समाज को, पूरा विश्व एक विशिष्ट नजर से इन दिनों देख रहा है, बारीकाई से हम लोगों का मूल्यांकन कर रहा है, हम तक पहुंचने के लिए रास्ता खोज रहा है, हमें अपना बनाने के लिए जो पहले कभी हमारे नमस्ते भी नहीं लेता था वो आजकल गले लगने की कोशिश कर रहा है। ये आप सबने भली भांति अनुभव किया होगा, किया है कि नहीं किया है, ऐसा ही अनुभव आ रहा है। पहले से अभी बदलाव दिखता है, लोग आपके प्रति आदर से देखते हैं। ये म्यांमार में एक मोदी चाहिए, एक ऐसी अमानत हमारे पास है, इस अमानत को संभालना भी है संवारना भी है, और हमें दुनिया में किसी भी देश में हम क्यों न हो, उस देश का प्यार पाना, उस देश की प्रगति के लिए हमारा योगदान पहले से अधिक बढ़े और हम भी फले फूले, ऐसा ही नहीं कि अड़ोस पड़ोस वाले ही फले फूले, हम भी फले फूले,
और आप विकास की नई ऊंचाइयों को पार करें। भारत का और यहां का इतिहास बहुत जुड़ा हुआ है। आजादी का संघर्ष साथ साथ किया है, हम सुख दुख के साथ ही रहे हैं और आज भी यहां के लोग भारत को एक पुण्य भूमि के रूप में और भगवान बुद्ध के कारण बहुत आदर और सत्कार के भाव से देखते हैं। हमारी कोशिश है, खास करके हमारे पड़ोस के जो देश हैं, भारत उनको काम कैसे आए, उनके लिए भारत क्या कर सकता है। और मैं मानता हूं ये भारत की जिम्मेवारी भी है। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हम एक सैटेलाइट का निर्माण करके अवकाश में उस सैटेलाइट को भेजेंगे और वो पूरी तरह सार्क के लिए डेडिकेटेड होगा। और आज मैं जब म्यांमार में आया हूं तो मैं ये भी घोषणा करना चाहता हूं कि भारत का ये जो सैटेलाइट हम सार्क को डेडिकेट करने वाले हैं उसके सारे लाभ म्यांमार को भी देंगे। इसका सर्वाधिक लाभ हेल्थ सेक्टर में होता है, एजुकेशन में होता है, टेलीमेडिसिन में होता है, लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन में होता है। तो एक प्रकार से आधुनिकतम विज्ञान का लाभ इस धरती को भी मिले, उस दिशा में हम सोचेंगे। हमने ये भी तय किया है, अभी हमारी नेपाल में जब सार्क देशों की मीटिंग होगी, हमने कहा है कि भारत एक काम करने के लिए, जिम्मा उठाने के लिए तैयार है और वो काम है सार्क देशों में से, और उसमें हम म्यांमार को भी जोड़ सकते हैं, पोलियो मुक्त ये हमारा क्षेत्र कैसे बने। भारत में पोलियो के खिलाफ लड़ाई में हम सफल हुए हैं, पोलियो से मुक्ति में पिछले 5-7 साल में कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन अभी भी हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों में ये हो रहा है। पाकिस्तान में तो अभी भी कुछ न कुछ घटनाएं हो रही है, और जिस परिवार में किसी बालक को पोलियो हो जाता है तो पूरा परिवार एक प्रकार से अपंग हो जाता है, एक व्यक्ति अपंग नहीं होता है। तो ये मानवता का काम है और इस मानवता के काम में भारत अड़ोस पड़ोस के देशों के लिए एक बृहद योजना बनाकर के काम करेगा। उन देशों से सहमति तो लेनी पड़ेगी, जब हम सार्क की मीटिंग में मिलेंगे तब उसकी चर्चा होगी, कार्य योजना बनाएंगे और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा। तो एक मानवता का काम, और भारत की तो विशेषता यही रही है, मानवता के काम में ही भारत हमेशा जाना पहचाना गया है, तो उसमें हम कहीं पीछे न रहे, उस दिशा में हमारा काम रहेगा। भारत ने अभी एक अभियान चलाया है मेक इन इंडिया, पूरे विश्व को हम कह रहे हैं आइए भारत में अपना नसीब आजमाइए और औद्योगिक विकास में आप शरीक हो जाइए। भारत में बहुत संभावनाएं पड़ी हैं, विकास के लिए बहुत अवसर पड़े हैं और ये दुनिया का सबसे युवा देश है भारत, जहां पर युवा वर्कफोर्स हमारे पास है। तो उसको लेकर के भारत विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। 3 दिन मुझे यहां विश्व के कई नेताओं से मिलने का अवसर मिला, मेरा बहुत ही सुखद अनुभव रहा है। और इतने बड़े आयोजन को जिस प्रकार से यहाँ की सरकार ने उसको कामयाब किया, मैं यहाँ की सरकार को, म्यांमार की जनता को
इस स्वागत सम्मान और समारोह के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने मुझे बुलाया, सम्मान किया, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि जब मैं सबसे मिल रहा था, मुझे संकोच हो रहा था कि मेरा समय कम पड़ रहा है, मुझे आपको समय ज्यादा देना चाहिए था, लेकिन कम समय का आपने जो उत्तम उपयोग किया और डिसिप्लिन से किया, मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूं। और मैं जहां जाऊंगा मैं आपके ये डिसिप्लिन वाला कार्यक्रम देख करके जो मेरे मन पर छवि हुई है, मैं डंका बजाता रहूंगा। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद।